जी मैं गल कर रहा सी कि मंदिर दे मुतलक भी एक दो जड़वा मंदिर जड़े सी शिव जी दा मंदिर और उस दे नाल जड़ा सी दूसरा कृष्णा मंदिर दो भक्तियां इत्थे बहुत ज़्यादा सन इस इलाके दे विच थ्रू आउट पंजाब दे विच वैसे तो तुहानू जगह जगह ते त्रिमूर्ति मंदिर मिलते हैं लेकिन इत्थे एक गल बड़ी शॉकिंगली सामने आती है इत्थे एक एक मूर्ति स्थान तुहानू नज़र आता और एक एक दी भक्ति जिहड़ी है उहदे वास्ते मंदिर जिहड़े ने अलग बने हुए हैं अंदर राजलीला रामलीला रासलीला महाभारत युद्ध जाब जाब फैलिया हुई अंदर बहुत ज़्यादा सारिया कहानियां ने शिवन कुमार दे मुतलक राधा दा बनवास फिर उस तो बाद शिवजी दा जिहड़ा ओ बहुत घट नज़र आता है लेकिन कृष्णा की भगती इतने बहुत ज़्यादा नज़र आती है कृष्ण लल्ला दा मक्खन चुराना और उस तो इलावा राधा दे वाल लेने ने उन्होंने संवारना गेसुआ संवारना फिर उस तो बाद महायुद्ध जिहड़ा महाभारत दा वो बहुत प्यारी स्टोरी इतने कंपाइल की गई है और पता चलता है कि हिस्ट्री ने किस तरीके नाल अपने पन्ने जड़े ने फोले ने और वो अगे अगे चलती रही है हिस्ट्री मिटाया नहीं मिटदी कभी यह चीज़ा मैं नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा देर तक मैं इन्हों बहुत प्यारे तरीके नाल देखे इस जगह के उत्ते बनया हुआ बड़ा प्यारा खूह सी यह बुनियादा खूह दियां ने यह नज़र आ रहा जिहड़ा खूह है यदि इत्थे जिहड़ा पर्दा किया खूह के उत्ते इस जगह तक बन्नी लगी सी जिहदे उत्ते लिखिया हुंदा सी कि यह पवित्र खूह का पानी सिर्फ पीण वास्ते इस्तेमाल किया जा सकता है इत्थे कपड़े धोना मना है इत्थे नहाना मना है ये नाल बनी हुई जगह के उत्ते मैं 1992 की गल कर रहा मैं जिस वक्त मैं बिल्कुल यंग एज दे सां मैट्रिकुलेशन कर रहा सी दस्या सी वैसे तो इंस्पायर मैं आर्कियोलॉजी फैक्ट्स तो अपने बचपन तो ही हाँ लेकिन वक्त दे नाल नाल जदों हालात इजाजत देन बंदा उदों ही रिसर्च वास्ते निकलता है आओ तो चलने हैं पहले भगती की जा बजा जड़िया सन तस्वीर वो बनिया हुई सन लेकिन कृष्ण भगवान मूर्तियां ने और कृष्ण जी दरम्यान दे विच ने एक पासे राधा है और एक पासे मीरा है और दरम्यान कृष्ण जी ए पिछे तुसीं अगे देखो तो यह कृष्णा जी का ताज और नाल राधा बैठी हुई है इस तरह इस जगह दे ग्रंथे भी देखा जाए तो इस तरह ही लेकिन मैं एक गल ही नहीं समझ आती है कि इतने बहुत कुछ बनया हुआ सी जिहड़ा कि वाइट वॉश भी हो चुके है और दूसरे मंदिर दे विच सारा कुछ जिहड़ा है वो बिल्कुल क्लोज है यह तुसीं अगर देखो तो यह मेन जिहड़ा सी मूर्ति स्थान है गर्भागिरी है गरबागिरी जिथे कि भगवान को स्थापन किया जाता सी मूर्ति को रखा जाता सी उत्ते अगर देखो तो कोई तुम खास जी वॉल आर्ट जो वॉल फ्रेस्को जोड़ा ये नहीं नज़र आता लेकिन अगर तुम उधर चलो तो तुम बहुत अच्छा जोड़ा वो मिलेगा इस जगह के उत्ते जा बजा फैले हुए जिहड़े मंदिर दीयां मूर्तियां ने या जिहड़ी इत्थे दी कथा सी इहदे मुतलक वो सारी दी सारी जिहड़ी है नज़र आती है यह तुसीं देखो फीमेल्स दे फेसिस ने यह जिन्हां ने मंदिर बनाया सी जदों इस मंदिर नूं स्टार्टअप किया गया किस तरीके नाल सी यह देखो तुसीं यह मंदिर दी एंट्रेंस है मैं इत्थे पूरा स्कैच देख के गया वहाँ बहुत खूबसूरत हुंदा सी है इत्थे दे जिहड़े राजे महाराजे सन जिन्हां ने मंदिर बनवाया सी और बनवाण तो बाद इस पासे तुसीं देखो यह कुछ फीमेल स्कैचिस तो नज़र आ रहे हैं हनुमान जी ने ठीक है जी उस तो बाद बहुत ज़्यादा सारिया स्टोरीज जड़िया ने वो तो पिक्चर राही दसागा मैं क्योंकि इनू गिला गिला
करके साफ किया सी। और उसके बावजूद फिर मज़ेदारी की गल है कि मंदिर के अंदर थानू बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जिड़ा कि शायद किसी और जगह तो घट ही मिले। है तुसी देखो फेस नहीं है लेकिन कृष्णा जी ही लग रहे हैं क्योंकि सिर पे ताज भी है इन्हों दे। और इत्थे ये भगती हो रही है, एक बंदा बजा रहा है अपना रुबाब बजा रहे है, लड़की डांस कर रही है। और यह देखो तुसी एक साधु जड़ा बैठा हुआ है बाबा गुरु नानक साहब भाई बाला जी उत्ते मुरछल कर रहे हैं। और शोर और थले भाई मरदाना जी अपना रबाब बजा रहे हैं। ठीक है जी। और शाही सवारी जा रही है, शाही सवारी जा रही है। तो देखो महाराजा रणजीत सिंह लगता है मैनू, मे भी कोई होर हो सकता क्योंकि मंदिर घट्टो घट 200 साल तो उत्ते हुए तो खालसा राज जरा 180 ईयर्स तकरीबन 200 साल का ही अरसा जरा पुराना क्योंकि ये बनया हुआ मंदिर है मुगलई ईट के नाल। फिर उस तो बाद अगर उत्ते देखते हो तो एक स्टोरी तुहानू नज़र आती है, ये है गणेश के मुतलिक है और युद्ध का पूरा दिखाया जा रहा सारा। ऐथे सीता और राम और उन्होंने भाई जड़े सन वो नाल इत युद्ध कर रहे हैं। पिक्चर बहुत वाजे से लेकिन वो गिलिया पिक्चर तो मैं दिखावगा। यह दसाया जाता है जी मीरा जदों जोगन बन गई सी तो यह वो जोगन क्यों इतों किस तरह पता चल रहा है कि भी ए जड़ा सी कृष्णा जी की मूर्ति और नाल राधा है। तो दूसरे पास तुसी देखो तो कृष्णा जी ए पी रहे ने गाय का दुध चो रहे ने। देखो तुसी और इस पासे वे राधा ने राधा इस तरह जा बजा इतने तुहानू इतने महाभारत का युद्ध तुहानू इस सामने दीवार पर नज़र आता। ये जंग हो रही है और इतने देखो तो हनुमान अपन हनुमान जड़ा फ्रूट लेके आ रहा और इतने लेटे हुए ने राम और सीता उन्होंने खिदमत कर रही है। इन्हें एक स्केचिस बहुत प्यारे तरीके ना सी इन्हें वॉश किया पूरी नू। और इत्थे जड़ा सी इत्थे ब्रह्मा जी दा जड़ा वो कोई ब्रह्मा अवतार जड़ा उन्होंने करिश्मे जड़े ने वो इत्थे दिखाए गए ने इस जगह दे उत्ते बहुत ही वधिया। इस वास्ते तस्वीर देखने तो पहले सारा कुछ जड़ा है कृष्णा जी मुरली बजा रहे ने और राधा खलौती थले। उस तरह फिर अगे कुछ नाथपंथी ने इत्थे भी ने उत्ते भी नाथपंथी बैठे हुए ने। फिर इत्थे कृष्ण महाराज के बड़े स्केच ने बहुत ज़्यादा सारे। यह देखो तुसी कृष्णा और नागपंचमी की जा रही है नाग की पूजा। और इत्थे भी कृष्णा जी का स्केच है पूरा। इत्थे बहुत प्यारा स्केच सी कि कृष्णा जी नू
थोड़ा जहा उत्ते भी कृष्णा जी का, फिर इस पासे कुछ होर ही रास लीला बनी हुई है, राज लीला बनी हुई है। इतों से शुरू किया कि भी यह मंदिर जो बनिया सी तो वो मुतलक डिटेल सन इस जगह के उत्ते। आओ चलने अंदर, जिहड़ा कि मंदिर की मेन जी यह है जी गर्भगिरी, जिथे कि कृष्ण महाराज की दसया जाता है कि इतने सोने की मूर्ति रखी जाती सी, क्योंकि यह सुनियारियां का पिंड सी, शहर सी, इतने जिम्स एंड स्टोनस का कारोबार हुंदा सी। और कृष्णा जी का इतने चाह बजा अगर तुसी देखो तो तुहानू मिलेगा, उन्होंने बचपन तो लैके और उन्होंने जवानी तक के तमाम किस्से जड़े ने वे देखने को मिलते हैं। यह देखो ती असल कृष्णा मंदिर जोड़ा बहुत कमाल आर्ट से, इतने मांबे कृष्णा जी और राधा, यह कृष्णा जी की मुरली, और वो अगर देखा जाए इस हाईलाइटिंग के अंदर तुसी देखना कि तुहानू शेरां वाली मां नजर आएगी, ये माँ शेरा वाली बैठी है। और फिर अगे इतने युद्ध जोड़ा है फिर जा बजा इतने फैले हुए मंदिर अमूमन कट लाइट वाले होंगे ने, अंदर रोशनी का कोई खास इंतजाम नहीं सी हुंदा उस वेले। यह देखो अगर तुसी तो कृष्ण ने गगन चुकया आसमान चुकया है एक उंगली दे उत्ते, मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी, और तुसी देख रहे हो कृष्णा मंदिर पूरा कॉम्पलैक्स है जी। कृष्ण भगवान की इतने भक्ति बहुत ज़्यादा सी, बहुत अच्छा लग रहा है कि यह जगह मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं फर्स्ट टाइम। मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी, और तुसी देख रहे हो सिव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, पंजाबी कल्चर एंड हेरिटेज एंड सिव गुरुद्वारा एंड टेंपल्स ऑफ पाकिस्तान।